जय श्री राम, राम राम। नमस्कार, एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार एसटीटी न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट वाइज, मतलब विषयवार कितनी रिक्ति है, सभी सब्जेक्ट में कितना वैकेंसी है, इस पर बात करेंगे। और उसके साथ साथ क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं यह भी देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग यह भी बात करेंगे कि बहुत सारे पद सृजित और स्वीकृत होंगे, मेन है सब्जेक्ट के रूप में सीएस में बात करेंगे और सोशल साइंस में, क्योंकि इसमें क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या बहुत अधिक है। जैसे कि आप जानते हैं, सोशल साइंस विषय की बात करें तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या की बात करें क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या 26221 है। और सीएस में बात करें तो इसमें भी कंप्यूटर साइंस विषय में बात करें तो 17034 है। तो इस पर भी बात करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें कितने पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। और सोशल साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, मतलब इन दो विषयों के अभ्यर्थियों के लिए अच्छे दिन आने वाले हैं, इसीलिए आप लोग विश्वास रखें, उम्मीद बनाए रखें। सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी की नौकरी पक्की होकर ही रहेगी, जी बिल्कुल होकर ही रहेगी, यह भी आप जानते ही हैं, क्योंकि 12 मार्च को जैसे भी हो बोला गया, बात मायने रखता है, इसलिए कह रहे हैं। तो इसीलिए आप लोग मान कर चलिए क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी तो पक्की होनी ही है। जो आवेदन करते समय अर्हता और क्वालिफिकेशन रखता हो, ये सभी बातें हैं, क्वालिफिकेशन हो तो उन सबों की नौकरी तो पक्की होनी ही है। और जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 मार्च के अलावा भी हैं, इस बार 10 लाख नौकरी के बदले 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा के आधार पर सरकार बनी है। तो ये सभी बातें हैं, और जिस तरह से नौकरी पक्की कह दिया गया उस दिन, आप लोग जानते हैं शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव और साथ साथ अध्यक्ष महोदय भी थे। तो इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहें, नौकरी पक्की होनी है सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की। और बता ही दिए हैं, सुधार का उपाय है कि रिक्तियों की संख्या को बढ़ाकर नौकरी पक्की की जाए। तो इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो इसमें विषयवार रिक्तियों को देखने वाले हैं और साथ साथ क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या को देखने वाले हैं। अभी सृजित पद जो स्वीकृत हो चुके हैं उसके अनुसार बात करने वाले हैं। उसके बाद आप लोग जानते हैं और भी पद सृजित और स्वीकृत होंगे, वह आगे देखने वाले हैं, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। तो देखिए कितने पद सृजित और स्वीकृत होने के बाद अभी कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, और साथ साथ बात करें तो क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है विषयवार। तो सबसे पहले हिंदी देख लेते हैं। तो हिंदी सब्जेक्ट में आप लोग देखेंगे तो इसमें वैकेंसी टोटल पोस्ट आप लोग देख सकते हैं, उसके नीचे क्वालिफाइड की संख्या बताई गई है। तो 3000 प्लस 5425 करेंगे, ऐड करेंगे तो 8425 है। और उसके बाद क्वालिफाइड की संख्या की बात करें तो 4721 है। तो इतने हैं, तो ऐसे में आप लोग जानते हैं क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी कम है, रिक्तियों की संख्या अधिक है, इसीलिए हिंदी का एसटीटी होना तय है। तो हिंदी के लिए एसटीटी होगा ही। अब आगे बात कर लेते हैं उर्दू में, तो उर्दू में 1000 और 2890, उसी तरह से आप 2890 जो है सो क्वालिफाइड की संख्या है, और 1000 जो रेड में है तो उसको आप लोग चलेंगे पोस्ट हैं, ठीक है। उसके बाद संस्कृत में भी वही बात है, 1054 और 1779 क्वालिफाइड की संख्या, 1000 पोस्ट, 1054 पोस्ट। उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे तो इंग्लिश में है 5054 प्लस 5425, दोनों को ऐड करेंगे तो 10479 पोस्ट हैं। और रिक्ति की बात करें तो 10479, और
और भी प्रसिद्धित और स्वीकृत होंगे, बहुत सारे टीचर रिटायर भी करेंगे आगे आने वाले समय में। और आप लोग यह देखें क्वालिफाइड की संख्या 4663 हैं। ऐसे में इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए भी एसटीईटी का होना तय है। उसके बाद मैथ की बात करें तो मैथ में 5054 प्लस 5425 दोनों को ऐड करेंगे तो उतना ही आएगा। आप लोग ऐड करेंगे 10479 के आसपास हैं, आप लोग ऐड करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो क्वालिफाइड की संख्या तो 7289 है मैथ में। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इसके लिए भी एसटीईटी का होना तय है। अब सोशल साइंस विषय में देख लेते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें तो 5054 प्लस 5425 10479 पोस्ट है और आगे आने वाले समय में और भी पद सृजित और स्वीकृत होंगे ही। यह भी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। उसके बाद आगे देख लेते हैं, इसमें और भी शिक्षक रिटायर भी करने वाले हैं। तो ऐसे में आप लोग समझ सकते हैं कि लगभग नौकरी तय है, सब्जेक्ट कम्बिनेशन भी नहीं है तो इसमें भी बाहर होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात है तो ये सभी बातें हैं जो कि आगे बात करने वाले हैं। 26221 क्वालिफाइड की संख्या है। अब पेपर टू देख लेते हैं। पेपर टू के सभी सब्जेक्ट तो इंग्लिश में देख सकते हैं कि 2125 पोस्ट है जबकि 2693 क्वालिफाइड हुए हैं। मैथ में 2104 पोस्ट जबकि 2098 क्वालिफाइड। फिजिक्स में 2384 पोस्ट जबकि 814 क्वालिफाइड। केमिस्ट्री में 2221 पोस्ट जबकि 1104 क्वालिफाइड और 723 और 274 जूलॉजी में, 835 816 बोटनी में। मतलब रेट में जो है उसे आप लोग पोस्ट समझें और जो कि इधर है उसे क्वालिफाइड की संख्या। कंप्यूटर में 1673 प्लस 1000 2673 पद हैं जबकि और भी आगे आने वाले समय और भी पद सृजित और स्वीकृत होंगे ही, जो कि पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कई वीडियो में। इस वीडियो में भी बात करने वाले हैं कितने पद सृजित और स्वीकृत होंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो में बने रहें। और आगे देख लेते हैं क्वालिफाइड की संख्या 17034 है। इसमें क्वालिफाइड की संख्या काफ़ी अधिक है। अब मैथिली में देखें तो मैथिली में भी 106 पोस्ट हैं, 105 अप्रोक्स पहले बताए थे। यह जो कि यह वीडियो कई दिन पहले का है, बहुत दिन पहले का, जो रिजल्ट के समय का है और उसमें सिर्फ अपडेट किए हैं। इतना अपडेट हुआ है कि क्वालिफाइड की संख्या अपडेट किए हैं सिर्फ। अब आगे देख लेते हैं, मैथिली आप लोग देख लिए होंगे क्वालिफाइड 54 है। बाकी डिटेल्स आप देख सकते हैं जो कि पहले नहीं देखे होंगे। अब इसे भी देख लें आप लोग यदि देखना चाहते हैं तो, वैसे सारी बातें कर चुके हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। वही बात है, इसमें भी देख लें, विश्वास हो जाए। तो आगे देख लेते हैं, इसमें बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस एवं सोशल साइंस विषय में कितने पद और भी सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। तो आगे देखिए, विभागीय संकल्प के अनुसार सभी पंचायत में एक एक उच्च माध्यमिक विद्यालय। तो उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या की बात करें तो 8386, यह बात ग्राम पंचायत के अनुसार है। जबकि अभी के अनुसार बात करें तो अभी के न्यूज़ के अनुसार तो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या 9361 है। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। जबकि एसटीटी 2011 कंप्यूटर साइंस में क्वालिफाइड की संख्या 1047 है। तो इस अनुसार से भी बात करें तो कंप्यूटर शिक्षक के 7500 से भी अधिक पद, 8000 से भी अधिक पद हो सकते हैं यदि 9361 में से यदि 1000 माइनस करते हैं तो यह भी बात है। तो आगे बात करने वाले हैं कितने पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। वैसे भी समझ सकते हैं कि 1673 और 1000 इतने पद तो सृजित स्वीकृत हो चुका है और 400
पहले भी पद कंप्यूटर विषय में सृजित स्वीकृत हुए हैं उसका छठे चरण में, तो कुल मिलाकर 3500 मानकर चल सकते हैं हो चुके हैं, और 8000 से भी अधिक है, तो 8000 में से 3500 यदि माइनस करते हैं तो 4500 से लेकर 5000 पद और भी सृजित और स्वीकृत होंगे कंप्यूटर विषय में। तो यह कंप्यूटर विषय के लिए अच्छी खबर है। आगे सोशल साइंस विषय में भी बात करने वाले हैं कितने पद सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं। वैसे भी आप लोग सोशल साइंस विषय में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं कि कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए सोशल साइंस विषय में, क्योंकि चार विषय है जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इतना विषय पढ़ाना है और साथ साथ इन्वायरमेंटल साइंस पर्यावरण विज्ञान भी पढ़ाना है। तो इस तरह से आप लोग मान सकते हैं कि बहुत सारे शिक्षक की आवश्यकता है, तो कम से कम दो शिक्षक होने चाहिए। और बिहार गजट में भी बताया गया है कि दो शिक्षक होने चाहिए माध्यमिक विद्यालय में, तो अब तो सभी जगह होने चाहिए दो शिक्षक, माध्यमिक हो या फिर उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, तो अच्छी खबर होगी। तो इस तरह से आप लोग मान कर चलें तो जितने विद्यालय हैं अपग्रेड हुए हैं तो 2676 और 2950, तो दोनों को ऐड करेंगे तो इतने, मतलब मानकर चल सकते हैं कि 5500 और भी पद सृजित और स्वीकृत होने चाहिए सोशल साइंस विषय में भी। तो ऐसे में यदि सृजित और स्वीकृत हो जाता है जल्दी तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की होना तय है। अब इस न्यूज को देख सकते हैं, तो इस न्यूज को देखने के बाद पाएंगे कि बिहार के विद्यार्थी अब अपनी ही पंचायत में इंटर तक की पढ़ाई कर पाएंगे। तो इंटर तक की पढ़ाई कैसे कर पाएंगे बिहार के विद्यार्थी अपनी ही पंचायत में, जब शिक्षक उपलब्ध हों, नए नए भवन के निर्माण से या फिर नए नए विद्यालय स्थापित करने से नहीं होता है, शिक्षक उपलब्ध होने चाहिए। अब आगे बात कर लेते हैं, ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, वैसे ये सभी बातें पिछले वीडियो में कर चुके हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए अभ्यर्थियों को, क्योंकि आप लोग जानते हैं 8386 उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और 9361 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है। इस तरह से कंप्यूटर शिक्षक के पद की बात करें तो 8000 से भी अधिक पद देखने को मिल सकते हैं, और नौवीं और दसवीं में भी बात करें तो यही शिक्षक पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रमोशन के पद होते नहीं हैं, क्योंकि पेपर वन आयोजित नहीं होता है, माध्यमिक शिक्षक के लिए पेपर वन आयोजित नहीं होता है। तो ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। कम मेधा अंक वाले को कंप्यूटर सहायक पद दिया जाए, ये सभी बातें हैं। यदि सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद तो दिए जाए तो अच्छी खबर है, लेकिन नहीं भी दिया जाता है तो कम से कम जिस विद्यालय में छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई होती है, अर्थात जहां मध्य विद्यालय अपग्रेड हुआ है, तो वहां पर कंप्यूटर शिक्षक और कंप्यूटर सहायक के पद होने चाहिए। तो ऐसे विद्यालयों की संख्या 2475 है, 201 माइनस करना होगा 2676 की बात करें, 2676 माइनस 201 तो 2475 हैं ऐसे विद्यालय जो कि मध्य विद्यालय से अपग्रेड हुए हैं। अब आगे देख लेते हैं, कंप्यूटर शिक्षक का एजुकेशन क्वालिफिकेशन BBTEC ये सभी हैं, तो अन्य विषय भी पढ़ा सकते हैं यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सभी विषय में यदि शिक्षक उपलब्ध नहीं हो, पद पर रहेंगे कंप्यूटर शिक्षक के पद पर, लेकिन अन्य विषय भी पढ़ा सकते हैं। ऐसे में सभी विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के पद का सृजन करते हुए सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की की जानी चाहिए, और कंप्यूटर सहायक के पद जहां पर छठी से बारहवीं तक की पढ़ाई होती है उसके लिए। तो ऐसे में भी यह सभी बातें हैं, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लेंगे तो ये सभी कैलकुलेशन देख सकते हैं। इतना है, 10000 से भी अधिक पद देखने को मिल सकते हैं यदि सरकार अपने हित को देखते हुए बहाली करना चाहे, अभ्यर्थियों की हित को देखते हुए करे तो
बात करें तो 15,000 मतलब जितना पास हुए सभी का हो जाएगा, जितने क्वालिफाइड हुए सभी का नौकरी पक्की हो जाएगा, सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो जाएगी, क्योंकि 9,361 माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों की संख्या है और सभी में कंप्यूटर शिक्षक और कंप्यूटर सहायक के पद तो काफ़ी हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, 32,916 माध्यमिक शिक्षक के पद और उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद 1,000 जो कि कंप्यूटर विषय में हैं। उसको आगे देख लेते हैं, इसे भी आप लोग पढ़ सकते हैं, 2676 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है, 201 ये सभी बातें देख सकते हैं, 2475 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय और इसे भी पढ़ सकते हैं, 2950 ये सभी बातें हैं जहाँ पर माध्यमिक विद्यालय विहीन पंचायत की बात की गई। अब इसे भी देख सकते हैं आप लोग, जल्दी से देख लें, उसके बाद 11 में भी देख सकते हैं, 12 में यह बताएगा कि आवश्यकता अनुसार, तो आवश्यकता तो अभी है ही, क्योंकि जानते ही हैं कि बिहार के विद्यार्थी अब अपनी ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में कैसे पढ़ सकते हैं, तो अपने ही पंचायत के उच्च माध्यमिक विद्यालय में तभी पढ़ सकते हैं जब शिक्षक उपलब्ध हों, सभी विषयों में शिक्षक उपलब्ध हों, ठीक है, तभी बेहतर पढ़ाई हो सकती है। और साथ साथ आप लोग जानते हैं 12 मार्च 2021 को यह बताया गया था कि एक तरह से नौकरी पक्की समझी जाए और 3 महीने तक सरकार अंधकार में नहीं रख सकती है, इसीलिए नौकरी पक्की समझी जाए। और तीसरा कारण भी आप लोग जानते हैं, चुनाव के समय 10 लाख नौकरी के बदले 19 लाख रोजगार और 3 लाख शिक्षकों की नौकरी का वादा था, तो इन सभी बातों को देखते हुए आप लोग कह सकते हैं कि नौकरी पक्की समझी जाए। ये सभी बातें आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर भी कंप्यूटर शिक्षक की भी बात की गई है, तो कंप्यूटर शिक्षक देख लेते हैं कितना है, कंप्यूटर में एक शिक्षक है उच्च माध्यमिक विद्यालय में, तो सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक होना चाहिए, यह है बिहार गजट अगस्त 2019 का है, ठीक है। अब माध्यमिक विद्यालय में भी देख सकते हैं कि सोशल साइंस विषय देख लेते हैं, तो आप लोग यहाँ देखेंगे सोशल साइंस विषय देखेंगे तो वहाँ पर यह बताया गया कि 2 शिक्षक होने चाहिए, तो 2 शिक्षक यदि हो जाते हैं सोशल साइंस विषय में तो सभी का हो जाएगा, तो सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो जाएगी। तो शिक्षा विभाग हो या फिर सरकार को अपनी बातों पर ध्यान देते हुए काम करना चाहिए और सभी को नौकरी पक्की की जानी चाहिए। अभी भी किस आधार पर सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है, आप लोग इसे भी पढ़ सकते हैं, तो इस तरह से कह सकते हैं नौकरी पक्की होनी चाहिए।